ये ऊपर से ये प्रेस होता है। हाँ ये प्रेस होता है। हाँ ठीक है। ये फीड पंप का काम भी करता है साथ में। हाँ फीड पंप का भी काम करता है। अच्छा वाटर सेपरेटर का काम भी इसके अंदर ही है। एक फिल्टर में सारा कुछ। हाँ एक फिल्टर में हम लोग सब कुछ देते हैं। और ये इसकी जो लाइफ है कितनी है, कितने टाइम बाद ये चेंज करना है? ये ऐसे फिल्टर काफी टाइम बाद चेंज करने पड़ते हैं। हाँ ये 500 घंटे के बाद कस्टमर को नीड पड़ेगी इसकी। प्लेटफॉर्म खुला तो हम खुला लेके आए कि वो कंफर्टेबल, जो हमारा जो किसान है वो कंफर्टेबल फील करे। साथ में हमने सेंसर लगा रखा है कि जब ये अंदर क्लोज होगा या कुछ होगा तो ये साइलेंट बजेगा या हमें कलर दिखेगा इसका, तो किसान अपना ऑटोमेटिक को क्लीन कर साफ कर सकता कर सकता किसान। वीरो सत श्री अकाल। अज आप खड़े चंडीगढ़ एग्जीबिशन से, जिथे कि ना एक काफ़ी टाइम तो गल चल रही थी कि जीटर ने अपना ट्रैक्टर एक नवा लॉन्च करना वा, तो इतने ट्रैक्टर हजे डेमो वास्ते आया हुआ वा, सिर्फ दिखाने वास्ते कि ट्रैक्टर दे विच किस तरीके का की आऊगा। जदों जीटर आना शुरू होया सी तां उदों 2011-2011 इस तरीके आए थे, तो इस तरीके हम इन्होंने 50-11 ट्रैक्टर जो एक लॉन्च किया वा, एक 45-11 प्रो दो ट्रैक्टर है। 50-11 बारे अज आप गलबात करनी है कि ये की है वा, तो नाल दी नाल जे गल करा कलैबरेशन हैगी VST की, VST प्लस जीटर दोनों की कलैबरेशन के नाल ट्रैक्टर लॉन्च होया वा। बाकी गलबात आप करते हैं इन्हों कि ये ट्रैक्टर की दिता गया वा। आप गल करते हैं कंपनी के जो इंपलाई है अमरजीत जी, इन्हों गलबात करा इस ट्रैक्टर की आ। सत श्री अकाल सब तो पहला तो जी। सत श्री अकाल जी। सर इस ट्रैक्टर जो जीटर, क्योंकि काफ़ी टाइम तो वेट सी किसानों के जीटर ट्रैक्टर आने वाला वा, है ना, तो ये हम तुम प्रोडक्ट ले आता वा, ये की खास दे रहे हो, तो कदों तक ये मार्केट के आप सेल करना शुरू कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, असी अगर सेल की बात गल है, ये हम लोग जनवरी फरवरी में लॉन्च करेंगे और मार्च में इसका सेलिंग चालू हो जाएगा। ठीक है अभी बुकिंग भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है। और ये सेल कर रहेगा जनवरी फरवरी में हम लॉन्च करेंगे, मार्च में इसका सेलिंग। ठीक है जी। अभी ये एक एक डेमो पीसी है जो अभी तैयार किया गया है। हाँ जी ठीक है। तो इस ट्रैक्टर में आप क्या खास दे रहे हो अभी? जो जैसे कि मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो जीटर में पहले आता था क्या वैसा कुछ भी आएगा, या ये उस जीटर से बिल्कुल अलग ट्रैक्टर होगा? नहीं, इसमें देखो जो जीटर है, जो टेक्नोलॉजी है, जो जीटर था HMT जीटर था, अब VST जीटर आएगा। पहली बात तो ये टेक्नोलॉजी सेम। ओके टेक्नोलॉजी वही आएगी, वही जीटर वाली आएगी, जीटर टेक्नोलॉजी आएगी। हाँ। लेकिन इसको हमने मॉडिफिकेशन जो जीटर के अंदर था कुछ चीज़ों का। हाँ। वो जरूर चेंज किया है इसके अंदर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ हम आज नए मॉडर्न जनरेशन को चाहिए साइड गियर में। हाँ। कि साइड में तो हम लोग वो गियर लेके आए, अब नई जनरेशन को चाहिए सर प्लेटफॉर्म खुला। हाँ। तो हम खुला लेके आए कि वो कंफर्टेबल, जो हमारा जो किसान है। हाँ। वो कंफर्टेबल फील करे। हाँ। और हम पावर स्टीयरिंग में तो था ही, और ये डबल एक्टिव लेके आए, डबल एक्टिव पावर स्टीयरिंग। इससे क्या है, कहते हैं कि दोनों तरफ में बराबर से खुलने से ट्रैक्टर का टायर का भी एंटेयर नहीं होगा, राइट सर? इसका ये फायदे हैं कई चीज़ें। और हाँ। ये डीजल फिल्टर है इसका। हाँ ये डीजल फिल्टर लेके आए। ये ऊपर से ये प्रेस होता है। हाँ ये प्रेस होता है। हाँ ठीक है। ये फीड पंप का काम भी करता है साथ में। हाँ फीड पंप का भी काम करता है। अच्छा ये यहाँ से कैसे, ये वर्क कैसे करता है? यहाँ से क्या है कि जब फ्यूल इसमें से फीड यहाँ से इधर जाएगा और ये क्लीन करके, वाटर सेपरेटर का काम भी इसके अंदर ही है। एक फिल्टर में सारा। हाँ एक फिल्टर में हम लोग सब कुछ देते हैं। और ये इसकी जो लाइफ है कितनी है, कितने टाइम बाद ये चेंज करना है? ये ऐसे फिल्टर काफी टाइम बाद चेंज करने पड़ते हैं। हाँ ये 500 घंटे के बाद कस्टमर को नीड पड़ेगी इसकी। ओके 500 घंटा चलेगा। ठीक है। और इसके अलावा इस ट्रैक्टर में और क्या क्या आ रहा है? और इसके अंदर आप देख सकते हैं साइड गियर तो मैंने बता भी दिया है। हाँ और इसमें कॉन्सेप्ट मैच गियरबॉक्स आया है, कॉन्सेप्ट मैच गियरबॉक्स आया है जो कि किसी भी गियर में लगाओगे आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है जी। गियर शिफ्टिंग यानी कि बहुत स्मूथ होगी और नॉइस लेस होगी। ओके आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है आइए। कंफर्टेबल आप जैसे देख रहे हैं, कंफर्टेबल सीट कंफर्टेबल है हमारा। हाँ। ठीक है। अब मैं ऊपर चढ़ के बताता हूँ आपको। अब मैं जैसे बैठा हूँ उसे पेस का आपने बता ही दिया था मैंने आपको। उसके बाद आता है कि जो हाइड्रोलिक है। हाँ। जो हाइड्रोलिक है वो ऑटोमेटिक है। हाँ जी है।
ऑटोमेटिक मतलब तो अगर लीवर मैंने सेट कर दिए हाँ। तो अगर बटन किसान को चलाना है कंफर्टेबल हाँ। तो वो बटन उठाएगा गिरे ही अपने आप और वहीं जाके जमीन पे लग जाएगी और काम करते रहेगी। ठीक है, उसको बार बार लीवर को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है जी। और उसमें OIB ब्रेक है। ओके, इसके अंदर OIB ब्रेक है जो ये मैं आपको देख सकते हैं OIB ब्रेक। ठीक है, जो ये इसलिए कि 10-10 साल तक ये ब्रेक खुलते नहीं है हाँ। और जिससे किसानों का मेंटेनेंस बहुत कम होता है ब्रेकों पे। ठीक है जी। और अभी आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास अलग से कंट्रोल वाल लगाया हमने, जिससे कि वो ट्रिपिंग ट्रोल डिस्ट्रीब्यूटर है हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर लगा रखा है, लगा दिया हमने हाँ। ठीक है जी। और टायर इसमें आएंगे, टायर आएंगे 14-28 के टायर, 50 HP के कैटेगरी में है ना। हाँ जी, 50 HP में, 50 में 14 के टायर में है हाँ। ठीक है, अभी इसकी शो उठा लें एक बार, है ना। चाबी से खुलेगा मतलब। और हमने एक और बताना था, ये जो हमारी बैटरी है वो हमने अंदर दी है हाँ। अंदर इसलिए दी कि कल को कोई मतलब जब तक लोग नहीं खोलेगा कोई चुरा नहीं सकता, कहीं भी ट्रैक्टर हम खड़ा कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा फीचर है हमारे मार्केट में लोगों के, किसानों के लिए। और मफलर हाँ जी, हमने अपने मफलर दिए साइलेंट, जो हवा आती है जो साइलेंट जो रहेगा हमारा ट्रैक्टर उसके लिए हमने दिया। ठीक है, और शो के लिए ये शॉकर भी लगा रखे है ना, ये खुद हाँ जी हाँ। ये देखिए आराम से अपने आप के ऊपर जाएगा। ठीक है जी, ठीक है चल। और जो एयर क्लीनर है वो हाँ ड्राई है, ये ड्राई क्लीनर है हाँ जी। और साथ में एक हाँ, साथ में हमने सेंसर लगा रखा है हाँ। कि जब ये अंदर से क्लोज होगा या कुछ होगा तो ये साइलेंट बजेगा या हमें कलर दिखेगा इसका, तो किसान अपना ऑटोमेटिक को क्लीन वो साफ कर सकता है। ठीक है, और इसमें जो डीजल पंप है वो कौन सा देख सकते हो, ये माइको बोस का ही हमारे पंप है इसमें। ठीक है, बोस का ही पंप है। ठीक है, 3 सिलेंडर में आएगा। और इसकी जो अगर माइलेज की बात करें तो वो क्या रहेगी इसकी माइलेज, ये है वो अदर ट्रैक्टर से 15-20% तेल कम खाएगा। कम खाएगा, जीटो टेक्नोलॉजी। RPM क्या है इसकी, ये RPM इसका 2200 RPM रहेगा, इसका रेटेड RPM 2200 रहेगा। ठीक है, और टॉर्क, टॉर्क 175 है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है लिफ्ट का तेल बंद करने के लिए है वो हाँ, यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग लोग है हमारा okay. और हम लिफ्ट को स्लो और हाई स्लो और कर सकते हैं यहाँ पर जी। तो अभी ये ट्रैक्टर आप बोल रहे हो जनवरी फरवरी में लॉन्च हो जाएगा, तो कहाँ कहाँ पर ये मिलना शुरू हो जाएगा? ये हमारे यहाँ पूरा नेटवर्क है हाँ. हमारे हरियाणा, पंजाब में, UP में हाँ जी, सभी जगह ये ट्रैक्टर। ठीक है, तो दोस्तों ये गेयर जो 4 गेयरों के आऊगा, गेयर जो है वा जिमें जीटर का जो पहला गेयर से वो तो चेंज करके होर दिता गया वा, 2 स्पीडा ट्रैक्टर हैगा वा, हाई लो दे विच, ते बाकी आने वाले टाइम च जदों ये ट्रैक्टर खेत दे विच चलूगा असल पता आपां नूं उदों लगना इहदा वी इस ट्रैक्टर दे विच की खासियत वा। अज जिहड़ी सीगी कि जीटर आउणा वा, जीटर लॉन्च होना वा, काफ़ी टाइम तां इह गल्लां चल रहियां सी, ते अज दी वीडियो दा कारण वी इही सी कि आपां जो जीटर ट्रैक्टर आ कि वी इह बनना शुरू हो गया वा, लॉन्च हो जाऊगा कुछ टाइम तक। तो अज की वीडियो इनकी वीडियो देखने लिए बहुत धन्यवाद जी, मिलते हैं एक नवी वीडियो के नाल।